तो हेलो यूट्यूब, होप यू आर डूइंग वेल। सो राइट नाउ अभी मैं कांगड़ा में हूँ एंड मेरे साथ हैं राहुल एंड चैंग। और अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन क्योंकि आज हमें शैडो की बाइक रिलीज करवानी है जो कि पुलिस कस्टडी में है। उसके घर वाले वगैरह आए हुए थे सारे और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में साइन वगैरह कर दिए हैं एंड वो बाइक आज रिलीज़ हो जाएगी। सो अभी पुलिस स्टेशन में जाके सीधे डायरेक्ट उसकी कीज़ वगैरह लेंगे हम और उस बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम सब दोस्तों ने यही डिसाइड किया था कि हम सब उसकी बाइक वगैरह बनवा के घर पर रख देंगे। एरिया पुलिस स्टेशन का है, कांगड़ा पुलिस स्टेशन यहीं पर है। सो ये है कांगड़ा का पुलिस स्टेशन। चाबी की कैसे स्टार्ट करनी आ रही है? सो ये दूसरी बाइक थी CBR और इसकी कंडीशन भी खराब ही है पूरी। रिम, हाँ इसका रिम फट गया सारा ना। इसकी कंडीशन भी, ये भी टूट गया इसका सारा। सो ये है शेडो की बाइक। सो इसका सारा ये लाइट्स वगैरह टूट चुकी हैं। अक्सर इसकी तो कंडीशन ही बड़ी ख़राब है। शॉकर ठीक है इसके? इसका तो बेंड हो गया आगे का भी नहीं, शॉकर टायर टच हो रहा है इधर। सो इसका रिम फट गया है एंड ये जो शॉकर्स होते हैं पूरे बेंड हो गए पीछे आगे हुए, हैंडल भी मूव नहीं कर रहा है इसका। और ये सारा इसका फ्रेम भी चला गया हुआ है। उस बाइक का तो कुछ बचा ही नहीं है यार, लाइट्स भी टूट चुकी हैं इसकी सारी। क्या किया होगा अक्सर उसने ना, बड़ी प्रेशर से बजे अक्षय। वो ये तो 100 के ऊपर ही होगी अक्षय स्पीड उनकी, तो ये हाल हुआ बहुत स्पीड में, बंदा नहीं हो रहा था मिला। सो अभी इस बाइक की चाबी भी नहीं है एंड इसके रिम से वगैरह भी फटे हुए हैं सारे और वो टायर इसका फ्रंट चिपक गया है सारा। सो अभी हमने ऑटो मंगवाया है, ऑटो में डालते हैं इसको, सबकी पावर लगेगी तभी पहुँचेगी अभी। चल चल एक बंदे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ब्रेक दबाए रखना, आने दो। नंबर प्लेट भी टूट गई इसकी है ना। अभी ले चले हैं इस बाइक को, ये ठीक सामने ऑटो में शैडो की बाइक है। कंडीशन बहुत ख़राब है इस बाइक की यार, एलॉयज वगैरह सारे चले गए हैं एंड इवन इसकी चाबी भी गुम हो गई है। चाबी तक भी किसी के पास नहीं है दोनों बाइक्स की। वैसे तो हम सारे फ्रेंड्स वगैरह थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड शैडो के अंकल हैं वो बोल रहे हैं कि आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे देंगे अपनी साइड से। तो गाइज यहाँ हम पहुँच चुके हैं एंड ये ठीक नीचे इनकी वर्कशॉप है। चैंग इसकी RC लेके एंड लाइसेंस लेके गया है शैडो का, वो पहले डिपॉजिट करवाना पड़ेगा तभी ये बाइक यहाँ पे सबमिट होगी। सो अभी मैं और राहुल ही हैं यहाँ पे, सो अभी उतारते हैं। वहाँ चल जा अंदर को ना, उस साइड चल जा। शाबाश, वो नहीं टायर में मत डालता हाथ, रुक अंकल ब्रेक दबाना। ब्रेक नहीं दबी अभी तक, ब्रेक तो पूरी दबी है। सुन यहाँ से पकड़, यहाँ से हैंडल से, हाँ चल उल्ला। शाबाश गधे, ब्रेक नहीं होती, वो क्लच होता है जो तुमने दबाया है। थक गया यार है ना, बड़ी भारी है बाइक। सीधा कर दे सीधा, हाँ अब आने दे इसको पीछे। चल रुक, बैठ जा, बैठ जा बाइक पे, हट हट जा साइड हो, पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे पकड़, यहाँ पकड़, आ जा। मैं बैठता हूँ यार भाई गिरूँ ना मैं, थोड़ी बहुत है पिछली, मोनी यार तो डेंजरस है यार, देखना छोड़ता बाइक को। चल मैं यहाँ से लगाता रहूँगा ब्रेक, चल 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 चल।
थक गए यार प्रधान। हेलो हेलो बाइक आ रही है अभी? नहीं अंदर पहुंचाती एजेंसी में की बात कर रहे हैं। अरे बस अभी पहुंचाइए, अभी करते हैं बात। अब आ रहा हूं अभी ना, बस आरसी चाहिए होगी ना अंदर उसके लिए। हां बस मैं लेके आ रहा हूं, बस पुलिस वाले से काम करा रहा हूं ना। ठीक है तो ठीक ही बोले ना कि बाइकें ठीक रहती है पर बंदे ठीक नहीं होते हैं। ये बात तो है यार, बाइकें तो ठीक हो जाएंगी बंदे ठीक नहीं होंगे। बंदा को तो उतना खुशी होती कि नहीं यार कि बाइक ठीक हो रही है। प्यार करता था बाइक से तो हमें कर रहे हैं किसी को। अरे यहाँ पे ना देखिए फैमिली ने इसका नाम रखा था ना, निकनेम लबू लबू रखा था। हाँ तो यहाँ लिखवाने लबू। हाँ अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। तो शेडो की बाइक की कंडीशन देखो यार कितनी, मतलब हर जगह से सब टूट चुका है। अभी एस्टिमेट लेके गए थे, ये कंडीशन खराब है। 25,000 का बनाया हुआ है। हाँ तो भी ठीक रहने पड़े। एक्चुअली कुछ होकर बैंड हो गए हैं, अगर बैंड नहीं होते तो बोरे की नए डलेंगे सारे के, बैंड नहीं होते तो हो जाते ठीक। तो 25,000 एस्टिमेट है कराने तो बड़े ठीक। बाइक की बाइक है क्या बोलता, जान थी इसकी, इसके घर पहुँचाना है। तो सारा कुछ हो चुका है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन होने थे। एक्चुअल में इसकी इंश्योरेंस नहीं थी बाइक की, अगर इंश्योरेंस होती तो काफ़ी सस्ते में निपट जाता सारा काम, मतलब 50% इंश्योरेंस में कवर हो जाता। बट एक महीने पहले इसकी इंश्योरेंस डेड हो चुकी थी। सो अभी एस्टिमेट इसका 20,000 से 30,000 तक का एस्टिमेट बनाया है उन कंपनी वालों ने, 25,000 तक का है। सो अभी अंदर सबमिट करा दी हमने बाइक और 2-3 दिन के बाद मिलेगी। बट यार कंडीशन बहुत ख़राब है बाइक की, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सब अगला फ्रंट हिस्सा इसका न्यू डलने वाला सारा, विद शॉकर एलॉयज टायर साइड फ्रेम फ्रंट हेड इसका विद लाइट्स, तो ये सब कुछ नया डलने वाला है। पिछला पोर्शन ठीक है इसका, पिछले में कोई ख़राबी नहीं है। बट एनीवेज देखते हैं। बट यार बहुत मूड ऑफ हो रहा है इस बाइक को देख के, बहुत ज़्यादा। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा और ऐसे किसी अपनी फ्रेंड की, जो अपना क्लोज फ्रेंड है उसकी बाइक हमें यहाँ से पहुँचाने पड़ेगी और ये सब कुछ काम करना पड़ेगा। बट लाइफ में अप एंड डाउन चले रहते हैं, सबका एक टाइम पीरियड होता है लाइफ में, सब अपना अपना टाइम लेके आए होते हैं। सो अब आते हैं 3-4 दिन के बाद घर पे पहुंचाते हैं फिर इसको। ये ब्लॉग मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि छोटी छोटी मेमोरीज रहती हैं हमारे पास और ये सब मेमोरीज रहेंगे हमारे साथ यूट्यूब पे। आज से 5-6 साल बाद भी हम इन मेमोरीज को देख सकते हैं और एज अ मेमोरी मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। एंड इसकी बाइक को ठीक कराने का रीज़न हमारा यही था कि अपने बाइक को ये बहुत प्यार करता था एंड इसको टिप टॉप कंडीशन में रखता था। सो एज अ बाइकर, हम सब बाइकर्स हैं जितने भी उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, सो एक बाइकर जब गिरता है कभी सड़क में तो वो सबसे पहले उठ के यही पूछता है कि मेरी बाइक ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और बाकी सब ठीक है। सो वो बाइक के बारे में पूछता है। सो बस एक रिस्पेक्ट दी है हमने उसको एज अ बाइकर कि उसके हमने बाइक वगैरह बना दी, वो उसके लिए एक रिस्पेक्ट है हमारी साइड से। और बस इतना ही था, वो वापस तो आएगा नहीं बट एज अ मेमोरी उसकी बाइक हमारे पास रहेगी और किसी सेफ लोकेशन में हम इसकी बाइक खड़ी कर देंगे किसी भी रिलेटिव वगैरह के घर पे। तो बस इतना ही था आज के ब्लॉग में एंड दिस इज कैप्टन बाइक राइडर साइनिंग ऑफ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड।